Hello friends, I am Priyanka and welcome back to my channel. I hope आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे. So title देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है menstrual cup के बारे में. जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपको menstrual cup के बारे में बताना चाहती हूँ, उसको use कैसे करना चाहिए, उसके बारे में उसकी कितनी sizes आती है, सब कुछ. So if that interests you, then please keep on watching. आपको इस मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताना चाहती हूँ. ये सिरोना ब्रांड का मेंस्ट्रुअल कप है. आप कोई भी मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हो. सो इसमें 3 साइजेस अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. स्मॉल साइज टीनेजर्स के लिए है, मीडियम साइज 25 टू 35 प्लस लोगों के लिए जिनका फ्लो नॉर्मल या फिर एवरेज हो, और एल साइज है 35 प्लस लोगों के लिए जिनका फ्लो कुछ ज्यादा हो और जिनकी वेजाइनल डिलीवरी हुई हो. तो मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ मीडियम साइज का, क्योंकि मेरा फ्लो यूजुअल या फिर नॉर्मल होता है. सो गाइस, आपको ये सिरोना कप अमेज़न पे मिल जाएगा. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं. सॉरी गाइस, मैं इसकी पैकेजिंग आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे ये यूज करते हुए 6 मंथ ऑलरेडी हो गए हैं. सिर्फ मेरे पास एक पोटली है, मेंस्ट्रुअल कप इस पोटली में आता है. ऐसे जब भी आपके पीरियड्स आए, आप उसको निकालो, यूज करो, पीरियड्स खत्म होने के बाद वापस इसको इसके अंदर डाल के नेक्स्ट मंथ के लिए साइड में रख दो. गाइस, ये है वो मेंस्ट्रुअल कप जो आप अपने पीरियड्स के टाइम में यूज करने वाले हो. हाँ, दिखने में कुछ ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर आप एक बार इसे यूज करने के बाद कम्फर्टेबल हो गए ना, तो फिर आप हमेशा के लिए सेट हो. मेरे लिए तो एक लाइफ सेवियर है ये. करने से डरते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ये इतना बड़ा है, ये अपने बॉडी में जाके हमें कैसा फील करवाएगा. लेकिन गाइस, ट्रस्ट मी, एक बार आप इसे यूज करके देखिए, ये आपको इतना कंफर्ट देगा कि आप पैड्स, टैम्पॉन्स वगैरह यूज करना सब कुछ भूल जाओगे. और हाँ, अगर आप इससे एक बार कंफर्टेबल हो गए ना, उसके बाद आपका टाइम, पैसा सब कुछ बचेगा. क्योंकि जितने पैसे हम पैड्स, टैम्पॉन्स खरीदने में लगाते हैं ना, उससे कम पैसों में ये हमें मिलता है. एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी ना, मैं खुद बहुत इतनी डरी हुई थी, ये सोच रही थी कि ये मैं कैसे अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करूंगी, क्या होगा, कितना डर लग रहा था, मुझे पता है. लेकिन गाइस, इसे आप आराम से यूज कर सकते हो, अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए और उसके बाद आप ये यूज कीजिए और आप हमेशा के लिए सेट है. इसकी प्राइस, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, ये है सिरोना का मेंस्ट्रुअल कप. इसकी प्राइस है 269. इसको हम आराम से 10 से 15 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं. मैं आपको बता दूं कि सिरोना का ये कप 100% सेफ है अपने बॉडी में जाने के लिए. इसे मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनाया गया है. ये इतना सॉफ्ट है कि आपकी बॉडी में इजीली इंसर्ट हो जाता है और इजीली बाहर भी निकल जाता है. कोई डरने की कोई जरूरत ही नहीं है. पहन के आप स्विमिंग, ट्रेकिंग, ड्राइविंग, साइकिलिंग, सब कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं बिना डरे कि ये लीक होगा, ये होगा, कुछ नहीं होने वाला. आप आराम से इसे यूज करें और फिर उसके फायदे एंजॉय करें. तो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि इस मेंस्ट्रुअल कप को यूज कैसे करना है. इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप इस मेंस्ट्रुअल कप को यूज करो, तो प्लीज इसे जरूर अच्छे से वॉश करें, क्योंकि ये वो मेंस्ट्रुअल कप है जो आपके बॉडी में इंसर्ट होने वाला है. सो इसे जर्म फ्री रखना अपनी ड्यूटी है. तो आप इसे या तो गर्म पानी में डाल के स्टरलाइज कर सकते हैं, या फिर सिरोना का जो मेंस्ट्रुअल कप वॉश आता है उससे भी वॉश कर सकते हैं. आपको कभी भी बिना वॉश किए इसे यूज नहीं करना चाहिए. सेकेंड स्टेप है, आप इसको तो वॉश कर लोगे, अपने हैंड्स को भी उसके साथ साथ वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि हम पता नहीं कहाँ का टच होके आए हुए हो, जब तक हम अपने हैंड्स क्लीन नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम अंदर इंसर्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने हाथ में कितने सारे जर्म्स होते हैं. सो बैक्टीरिया फ्री रहने के लिए हम अपने हैंड्स को भी अच्छे से वॉश करेंगे. नेक्स्ट स्टेप है, जब भी आप इस कप को यूज़ करें, ध्यान रखें कि आपके नेल्स ट्रिम हुए हो. आप चाहो तो आप उन्हें छोटा ही रखें, ताकि जब भी आप ना इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से उसके अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करें ना, तब आप अपने नेल्स की वजह से कहीं भी हर्ट ना हो. नेक्स्ट स्टेप है,
जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करें, अपने वजाइना को अच्छे से क्लीन करें। अपने वजाइना को अच्छे से क्लीन करने के लिए आप इंटीमेट वॉश भी यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वाटर से भी आप उसे क्लीन कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम जानते हैं कि इस मेंस्ट्रुअल कप को हमें यूज कैसे करना है। सो प्लीज, यूज करते वक्त बिल्कुल भी मत घबराइए, अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए। आई नो जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे जब आपको डर लगेगा, बट आप फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जैसे जैसे यूज करते जाओगे ना, आप खुद इतने कंफर्ट हो जाओगे कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मेंस्ट्रुअल कप को हमें लेना है और ऐसे दबाना है, ऐसे प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करने के बाद इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है। इसके दो तरीके हैं, इसे बोलते हैं सी फोल्ड, नेक्स्ट है इसे पंच डाउन, ऐसे नीचे पंच करके फिर ऐसे फोल्ड करके फिर अपने बॉडी में इंसर्ट करना। मुझे जो कंफर्ट लगता है वो है सी फोल्ड। प्रेस करो बस, उसके बाद ऐसे फोल्ड करो और ये अपने वजाइना में जाने के लिए एकदम रेडी है। डोंट वरी, यूज करते वक्त अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा एकदम रिलैक्स रखें ताकि अपने वहाँ की पेल्विक मसल्स है ना, एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। सो यू नीड नॉट टू वरी, ये अपने आप आसानी से इंसर्ट इजीली हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे पता करें कि आपने ये मेंस्ट्रुअल कप अंदर बरोबर डाला है या नहीं है। सो गाइस, जब भी आप इस मेंस्ट्रुअल कप को ऐसे फोल्ड करके, सी फोल्ड करके अपने अंदर इंसर्ट करोगे तो अंदर जाते ही ऐसे पॉप अप होगा। जरूरी नहीं है कि वो आपको साउंड हर बार सुनाई दे, लेकिन हाँ, एक पॉप अप साउंड जरूर आती है। अंदर जाने के बाद वो अपना, ये एक एक्चुअली वैक्यूम की तरह काम करता है, अंदर जाके ही ऐसे चिपक जाता है ऐसे। तो डोंट वरी कि ये लीक होगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वो बरोबर हमने उसको प्लेस किया है अपनी जगह या नहीं, तो गाइस जब भी ये ऐसे अंदर जाता है ना, देन यूज योर फिंगर्स, अपने फिंगर अपने वजाइना में ऐसे डाल के चेक करें कि वो बरोबर है ना ओपन हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर कभी कभार वो गलती से बरोबर नहीं ओपन हुआ होता, हमने अगर उसको ठीक से इंसर्ट नहीं किया हुआ होना, तो वो ऐसे ही रहेगा अंदर जाके ऐसे। तो जब आप फिंगर डाल के ऐसे यू देखोगे ना, तो आपको फील होगा कि हाँ ये बरोबर खुला नहीं है, तो आप उसको वापस निकालें और वापस अच्छे से इंसर्ट कर सकते हैं। फोर साइड्स फिंगर घुमा के देखना है आपको कि हाँ वो बरोबर ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, हम जानते हैं कि इसको हमें बाहर निकालना कैसे है। गाइस, जैसे आपने उसको अंदर डालने के लिए स्क्वाटिंग पोजीशन यूज़ की थी, वैसे ही आपको इसे बाहर निकालने के लिए वो की वही पोजीशन यूज़ करनी है। आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाइए, फिर ये जो टेल है ना, इसको खींचिए और थोड़ा जब नीचे आ जाए ना, तो अपने दो फिंगर्स यूज़ करके इसको यहाँ से पकड़े और ऐसे ही खींचे। फिर इसके अंदर जो भी ब्लड जमा होता है ना, उसको सिंक में डाल दें, उसको अच्छे से पानी से वॉश करें और उसके बाद वापस अपने वजाइना में इंसर्ट करें। आई नो आप घबरा रहे होंगे, बट डोंट वरी, एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद आप कभी नहीं डरोगे इस चीज़ से, क्योंकि आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि आपके अंदर कुछ गया है। नॉर्मली क्या मालूम, पीयर्स में जिनको क्रैम्प्स वगैरह इतना फील होते हैं, जो उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, जैसे मैं सीरियसली बोलूँ ना, मैं ना उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी, इवन खाना भी मुझे सोते सोते खाना पड़ता था, क्योंकि मुझे इतना पेन होता था, मैं चल नहीं पाती थी, वो पैर्स की वजह से साइड में रैशेस होते थे। सीरियसली गाइस, इससे आपको कुछ नहीं होने वाला, ना रैशेस होंगे, कुछ नहीं होंगे, ना स्मेल आएगी, कुछ भी नहीं। अभी आप सोच सकते हो कि पूछ भी सकते हो कि दी है ना, स्मेल आती है क्या जब हम टॉयलेट करने जाते हैं, पी करने जाते हैं, उसे कोई इश्यू है क्या? नहीं, आप ये कप इजीली पहन के आराम से पी और टॉयलेट कर सकते हैं और आपको बार बार ब्लड देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने मेंस्ट्रुअल कप सिरोना का यूज़ किया। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बस कहने का मतलब यही है मेरा कि सबसे बेस्ट है, इतना अच्छा है कि आप मतलब पैड्स, टैम्पन्स को इजीली हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं इतने कम पैसों में। अपना टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेगा और मतलब हम रैश फ्री रहेंगे, सब कुछ इजी रहेगा अपने लिए। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।